तो आज एक चीज़ नोट करते हैं कि अभी हमारा मोबाइल में चार्जिंग है बिल्कुल 1 पॉइंट थी, अभी मैंने लगाया था तो 2 पॉइंट हो गई। टाइम हो रहा है 12:20। तो भाई फाइनली बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और किस तरह से कल यहाँ से पानी जा रहा था और जो है कैसी हालत हो गई है इस गली की, तो पानी जा जा के ना। लेकिन इसके अलावा अभी भी बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देख लो सारा कुछ फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। और हमने जो है कल अपना मुर्गा यहाँ फेंका था यार, दूसरा वाला तो यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ चली गई, या तो बिल्ली वगैरह ले गई होगी यहाँ से, तो यहीं पर ही रखा था कल। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक दी अनदर न्यू ब्लॉग। तो फाइनली भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, रात में बाहर खड़ा हूँ। और भाई इसके अलावा हमारे ये वाले देखो भाई अनार के फूल आ रहे हैं, ये अनार के फूल आ रहे हैं, तीन तीन आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से पौधा लगा हुआ है और अब जाके इसमें इतने बड़े होने के बाद भी जो है अब इसमें अनार के 3 फूल आए। इसके अलावा सारी बारिश से जो है घास वगैरह बढ़ गई, यहाँ पे भी बढ़ गई है। और इसके अलावा भाई बारिश तेज़ हो गई है, ये देख रहो पानी पानी हो रहा है सब जगह। तो भाई बाहर में गया था, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, एकदम से सारा मोबाइल भीग रहा था, फिर मैं घर पे आ गया। तो अभी फ़िलहाल मैं ये देख रहा था कि ना आज हमारा मोबाइल की कितने चार्जिंग पूरी 100 होने में ना कितना टाइम लगता है, तो मैंने आज ये टाइम नोट किया। ठीक है, टाइम हो रहा है 1:45 का। ठीक है, हमने जो है 12:20 पर लगाया था मोबाइल, अभी हो रहा है और जब ना हमारी 1% थी चार्जिंग, तो अभी 1:45 का टाइम हो रहा है और मोबाइल की चार्जिंग देखते हैं। तो भाई मोबाइल की चार्जिंग की बात करें तो पूरी 100 हो गई है, 99 हो गई है, 99 पॉइंट हो गई है, मतलब 100 होने वाली है। सही है यार, हमारी पूरी मतलब पूरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, 1% थी। ठीक है, मोबाइल बंद था, मैंने चार्ज पे लगाया और 1.5 घंटे में हमारा फुल हो गया चार्ज। तो यार मोबाइल बेस्ट है ये इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो, तो ये मोबाइल बेस्ट है यार, चार्जिंग भी बहुत सही चलती है इसकी। ठीक है, और ना इसकी जो है बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। यार मैंने कहा ऊपर आके देखूं कि क्या सूरत है हाल है अपने मुर्गा मुर्गी की, क्योंकि ना पूरी रात कल भी बारिश हुई है, और इसके अलावा अभी मैं दाना लेने गया था, लेकिन भाई पानी इतना हो रहा है कि इतना पानी हो रहा है इतना, तो ना दाना तो नहीं ले के आया, क्योंकि 2 दुकानों पर पूछा, 2 दुकानों पर मिला नहीं। उसके बाद फिर आगे जाना पड़ता, आगे इतना पानी हो रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार कहीं और से मंगा लेंगे दाना। इसके अलावा हमारे यार बेचारे 3 मुर्गा मुर्गी रह गए सिर्फ, इसमें से 1 मुर्गी है और 2 मुर्गे हैं, तो ये बस 2-3 बचे हैं अभी हमारे पास। माशाल्लाह 6 थे, 6 में से 1 गया, फिर 1 गया, फिर कल रात में 1 गया, तो इस तरह से ये 3 हो गए। तो यहाँ तक कि मैंने उसको दवा भी पिलाई थी, मैंने कहा यार चलो ठीक हो जाएगा, दवा भी पिलाई मैंने इस वाली ड्रॉप में लेके, थोड़ी सी ड्रॉप ली और उसमें जो है मॉक्सिल का वो कैप्सूल डाला वो पिलाया था, लेकिन यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके, ना बुखार हो गया था हल्का हल्का सा, वो गर्म हो रहा था तो इस वजह से वो चले गया। रात में शाम में मैं उसको पिला दिया था, तकरीबन मगरिब से पहले पिलाया था, लेकिन वो जो है चले गया, नहीं बच पाया वो भी। माशाल्लाह से अच्छा खासा बड़ा हो गया, इन्हीं के साइज इतना हो गया था जितना ये वाला है ना हमारा, तो इतना ही मुर्गा हो गया था वो भी, लेकिन वो बेचारा चले गया। असल में उसको सर्दी लग गई थी, इन पिंजरों में पता नहीं इन पिंजरों में सर्दी लगी या नीचे ये रखे हुए थे, तो नीचे वो पानी से भीग भीग के इनको सर्दी लग गई, इस वजह से मैंने इनको आज धूप में रखा हुआ है। यार एक बात समझ नहीं आ रही कि हमने इन वाले मुर्गों को जो है नीचे रखा हुआ था और इसी लोहे वाले पिंजरे के अंदर, लेकिन ना इनको सर्दी लग गई। इसके अलावा जो माशाल्लाह से हमारे छत पर हैं मुर्गा मुर्गी भी हैं, गोइना फॉल भी है, तो ये तो बेचारे भीग भी रहे हैं, और ये तो नहीं माशाल्लाह से ये बिल्कुल फिट फाड़ रहे हैं अभी तक, लेकिन यार वो हमारे नीचे थे, नीचे रखे हुए भी पता नहीं कैसे जो है भीग गए, और उसकी वजह से ये बीमार भी पड़ गए, 2 बीमार पड़ गए थे जिसमें से 2 ही चले गए। माशाल्लाह 3 हमारे बिल्कुल सही हैं, तो अभी इनकी देखभाल कर रहे हैं।